बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम वर्साई के महल के बाहर खड़े हैं। ये पेरिस से तकरीबन एक घंटे की मुसाफत पर है। इस महल को तकरीबन सालाना 1 करोड़ लोग देखने आते हैं। इसके देखने की 2 वजूहात हैं। एक तो यहाँ पर 700 कमरे हैं और ये उस वक्त दुनिया में, जिस वक्त दुनिया में ताजमहल बन रहा था, ताजमहल के 30 साल बाद इसको बनाया गया। ये उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा महल था और यहाँ पे 20,000 के करीब लोग रहते थे, जिसमें से 10,000 बादशाह के दोस्त और उसके करीबी साथी रहते थे। इसकी दूसरी वजह जो है कि लोग इसको सालाना इतना क्यों देखने आते हैं, ये वो महल है जिसने दुनिया की तारीख बदल दी थी, जिसने फ्रांस का खूनी इनकलाब को लेके आए थे। और इस महल से ही वो फिक्र आपने सुना होगा, जब मलका को किसी ने कहा कि लोग भूखे मरते हैं, रोटी नहीं है, तो उसने कहा कि लोग ब्रेड क्यों नहीं खा लेते। तो ये इसी महल की मलका के अल्फाज थे, क्योंकि जिस वक्त उस बादशाह ने 1617 में इस महल को बनाया, तो उसका प्लानिंग ये थी कि वो दुनिया में 2 चीज़ें ऐसी करें। एक तो जो महल की साजिशें थी जो बादशाह के ख़िलाफ़ होती थी हमेशा, हुक्मरानों के ख़िलाफ़, उन तमाम साजिशी लोगों को उसने इस महल में रख लिया। और दूसरा, वो दुनिया में एक ऐसी चीज़ बनाना चाहता था जो रहती दुनिया तक रहे। अफसोस कि आज ये महल तो है, लेकिन उस बादशाह के ख़ानदान का कोई फ़र्द भी ज़िंदा नहीं, क्योंकि जिस वक्त ये महल बनाया गया था, उस वक्त इस पर इतना पैसा लगाया गया था। आप इमेजिन कर लें कि 700 कमरे हैं और इसमें 20,000 लोग रहते थे और 30,000 मुलाजम थे। इसमें लाखों की तादाद में घोड़े और जानवर होते थे, लेकिन इसके खर्चे पूरे नहीं होते थे। तो फ्रांस गवर्नमेंट को उस वक्त जो सुपर पावर थी, दुनिया से कर्जा लेना पड़ता था सिर्फ महल को चलाने के लिए। जब जिस बंदे ने ये महल बनाया था, उसका पोता जब हुकूमत में आया, तो उसने ये सोचा कि महल का खर्चे बहुत हो रहे, तो उसने एक बड़ा अहमकाना फ़ैसला किया। उसने मौजूदा हुक्मरानों की तरह, पाकिस्तान के हुक्मरानों की तरह, उसने महल के जो घोड़े थे उनको बेच दिया कि शायद घोड़े बेचने से खर्चे कम हो गए। तब एक विल्टर नामी सहाफ़ी था, उसने एक बड़ा पॉपुलर फिक्रा कहा था। उसने कहा था कि अगर बादशाह घोड़ों की बजाय जो महल में गधे हैं उनको निकाल देता तो हुकूमत बच जाती। अफसोस कि वही हुआ, जब हुकूमत ना अहल लोगों के हाथों में होती है। पेरिस जो यहाँ से 1 घंटे के भी बाय रोड, बाय ट्रेन ड्राइव, वहाँ से लोग उस वक्त कई घंटों की मुसाफत तय करके आए, इसी महल से बादशाह को और उसके पूरे ख़ानदान को निकाल के इस महल के बाहर, वो मेन गेट जो है उस पर उनको कत्ल किया गया। उसकी असल वजह ये थी कि बादशाह अपने और अपने साथियों की अय्याशी के लिए सालाना अरबों रुपए तो खर्च कर रहा था, लेकिन जो पेरिस की अवाम वो गधे खाने पर, गड़े सड़े जानवर खाने पर मजबूर थी और रोज़ाना हज़ारों की तादाद में गुर्बत की वजह से लोग मर रहे थे। तो फ्रांस का इनकलाब इसलिए मशहूर है कि जब अवाम अपने हुक्मरानों के ख़िलाफ़ निकलती है, तो ऐसे 700 कमरों वाले महल भी हुक्मरानों को नहीं बचा सकते। बदकिस्मती के साथ अब इसी तरह के महल जो मिडल ईस्ट में बढ़ रहे हैं, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में जहाँ जहाँ ऑयल अवाम बढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी अवाम उसी तरह भूखी मर रही है। शुक्रिया।